महिला को चैम्बर में बंद करके गैंगरेप की घटना को अंजाम देने, मारपीट कर महिला के दांत तोड़ देने और जान से मारने के प्रयास के आरोप में जिला रामपुर में तैनात पूर्व इंस्पेक्टर को एसपी संभल ने निलंबित कर दिया है। साथ ही घटना की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन भी किया है। पूर्व इंस्पेक्टर रामवीर सिंह यादव समेत चार लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला जिला रामपुर में दर्ज किया गया है। जिला रामपुर के गंज थाने में पूर्व में तैनात इंस्पेक्टर रामवीर सिंह यादव सहित चार लोगों के खिलाफ मामला महिला आयोग के संज्ञान लेने पर दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर रामवीर सिंह यादव संभल में तैनात है, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। मेरा हॉस्पिटल था मंडी के पास स्वामी विवेकानंद के नाम से, जहां मैं ऊपर रहती थी नीचे मेरा हॉस्पिटल था। मेरा जबरदस्ती उसकी रजिस्ट्री करा ली गई, विनोद सिंह यादव ने कराई थी तमंचे के बल पर, और मैंने इसका विरोध किया तो मुझे मारा पीटा गया और मेरे चार दांत तोड़ दिए गए, मेरे साथ गुप्त अंगों को छुआ गया। अब मेरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैं दर दर भटक रही हूँ, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं महिला आयोग भी गई थी, वहां जाके मेरे उन्होंने संज्ञान लिया और पुलिस को फटकार लगाई, लेकिन पुलिस फिर भी उसे दबाने की कोशिश कर रही है। सीओ साहब ने सीसीटीवी कैमरा चलता हुआ निकाला था, जिसमें सारे एविडेंस हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उसके अंदर, लेकिन मैं बोल बोल के कह रही हूँ सीसीटीवी कैमरा जो निकाला जा रहा है ये पुलिस वाले निकाल रहे हैं। सीओ साहब ने निकलवाया था, संसार सिंह भी मौके पर पहुंचे थे, एसपी एडिशनल एसपी दुर्गा सिंह भी मौके पर पहुंचे थे, सिविल लाइंस इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अब मैं मजबूर हो गई हूँ, मैं अपनी आत्महत्या करूंगी, और जहाँ योगी जी आए मंत्री जी उनके ही कार्यालय पे जाके, जहाँ उनका प्रोग्राम है वहीं जाके मैं पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या करूंगी। अब मेरा यही रह गया, ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है, जहाँ एक महिला के साथ इतना जुल्म होता है फिर भी कोई प्रशासन कहीं कार्रवाई नहीं करता, सारी चीजें दबाने की कोशिश करते हैं। इधर विनोद सिंह यादव बहुत दबंग आदमी है और चीटर है, चीटिंगबाज है, क्रिमिनल है, उसे उसी की सपोर्ट करते हैं। इंस्पेक्टर की वजह से कोई कर नहीं रहा है हमारा कोई क्राइम, इतना क्राइम किया इंस्पेक्टर ने, ये वर्दी वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये कोई क्राइम करेंगे, महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार करेंगे। ये रामवीर सिंह यादव एसएचओ थाना गंज में रहते थे ये पहले, अब पता नहीं मुझे कहाँ रह रहे हैं इस टाइम। ये विनोद सिंह के भाई बताए जाते हैं मुझे, तो मैं इन्हें पहले से नहीं जानती थी। विनोद यादव इतना चीटर है कि उसके 17-18 मुकदमे चल रहे हैं, उसमें सब चिटिंगबाजी के, फ्रॉड के, कब्जा करने के, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के, अत्याचार करने के, रेप के, इतने मुकदमे चलने के बाद भी विनोद की ही बात सुनी जाती है, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है कहीं। वो इतना पैसे वाला आदमी है, वो पैसा दे के सबको मैनेज कर लेता, हम तो दर दर की ठोकरें खा खा के हर अधिकारी के पास जा चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब तो हम योगी के ही दरबार में अपनी आत्महत्या करेंगे, इसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे प्रशासन या शासन कोई भी नहीं सुन रहा है। पूर्व थाना प्रभारी श्री रामवीर सिंह यादव व उनके कुछ साथियों पर थानागंज पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, क्या है पूरा मामला? वादनी की लिखित तहरीर के आधार पर थानागंज पर चार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इनमें एक है रामवीर सिंह यादव, पूर्व थाना अध्यक्षगंज, उनके साथ ही विनोद सिंह पुत्र निकासी राम निवासी बीपी कॉलोनी थाना सिविल लाइन रामपुर, मनोज व विजय। अभियुक्त रामवीर सिंह यादव तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थानागंज जो आजकल जनपद संभल में तैनात हैं, उनमें एसपी संभल द्वारा जांच के बाद निलंबित भी कर दिया गया है। विवेचना के लिए एसआईटी टीम का गठन रेंज स्तर से किया जा रहा है।